हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 मॉक का मॉक टेस्ट छठा सेट लेकर उपस्थित हूँ। तो ये हमारा जो मॉक टेस्ट है वो आपको रविवार को रहता है। तो चलिए कुछ इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। तो निर्देश यहाँ है, प्रश्नों की संख्या 150, कुल अंक 150, ऋणात्मक अंकन नहीं है। वास्तविक एग्जाम में समय 120 मिनट होता है, इस वीडियो में समय लगभग 1 घंटा है। वीडियो को पॉज करके अपने समय को आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तो ये जो हमारा सेट प्रैक्टिस है ये हर रविवार को रहता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, बैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग, ब्राह्मण युग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से हुआ? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ऑप्शन ए, कुंडग्राम में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, और श्री रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख, और ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मौर्य काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेनाधिकारी, या राजा के लिए, और पांचवा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सातवां का आंसर हो जाएगा आपका डी, राजा के लिए प्रयोग किया जाता था। आइए देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो यह आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। आइए देखते हैं दसवां नंबर क्वेश्चन क्या है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, क्रोष्टी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन डी होना चाहिए, क्रोष्टी लिपि। आइए देखते हैं ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है?
जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। तो ये आपका 11 का आंसर होगा कंदरिया महादेव मंदिर। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांडे, चेर, पल्लव। तो शक्तिशाली नौसेना की बात हो तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, चोल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता, बरनी बदायूनी, अमीर खुसरो। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था? वह था देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, हरिहरा और हुक्का। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ये काम करता था देवराय द्वितीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार नेनार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ये आंसर हो जाएगा ए, अलवार और नैनार संतों द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन, चिरागे देहलवी, सलीम चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी जो थे, ये आपका आंसर हो जाएगा सुल्ला कड़ी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? पहला है पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी। बी है इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी। सी है मेवाड़ का शासक राणा सांगा और डी है चंदेरी का शासक मेदनी राय। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले वालों में कौन शामिल नहीं था? तो ये आंसर होगा 17 का डी, चंदेरी का शासक मेदनी राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह था फर्रुखसियर, शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा आपका सी, शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वो शाह आलम द्वितीय, 1765 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी राज विजय का लेखक कौन था? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नयचंद सूरी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन सी होगा, जयानक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बीस नंबर क्वेश्चन कि क्या है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, तो ऑप्शन सी होगा, 1758 ईस्वी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड रिपन के। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल शंकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये होना चाहिए आपका आंसर 23 का डी, बिरसा मुंडा से। ठीक है, मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह एक ही होता है। आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा 24 का सी, शहादत खान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है 25 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, लेकिन जीते थे ये दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, लड़ाई पहले डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण करते तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो ये पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। तो ये कथन था लाला लाजपत राय का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्रवाई। 1907 में हुए कांग्रेस उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष में मतभेद का क्या कारण था? तो ये आपका आंसर होगा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? बहादुर शाह पहलवान, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय। तो किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो ये होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या बेबिल योजना? तो ये तो होना चाहिए आपका आंसर पहला ना, माउंटबेटन योजना। आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये आंसर होगा 30 का डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो पहला ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, सी है आर्कटिक क्षेत्र में, डी है जापान से पूर्व के क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तन की, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180, 360, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देशांतरों की संख्या हो जाएगा
360, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या 55 डिग्री। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के बराबर होता है, तो पहले हम इसको टोटल मिनट में बदलेंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा है ना, तो 2 घंटा में कितना है, 120 मिनट, और 20 140 मिनट, इसको 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो यदि हम 4 से इसको भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 4 3 12, 4 5 20, 35 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 35 डिग्री ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा, 34 का ई हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक देशांतर में 1 डिग्री के अंतर पे 4 मिनट होता है, तो 140 मिनट है। ठीक है, तो यदि हम 4 मिनट से भाग देंगे तो डिग्री में चेंज होकर वो आपका जो आंसर है वो 35 डिग्री आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, चंबल, केन, बेतवा, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका 35 नंबर का आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, चंबल, केन, बेतवा, नर्मदा। ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा। आइए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है, सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब। तो भारत पाक बगलिहार जो है आपका चिनाब नदी पे है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, जैरे, जाम्बिया, कजाकिस्तान, नाइजर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। आइए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, तकला मकान मरुस्थल जो पड़ता है ये चीन में पड़ता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है, काहिरा, खार्तुम, बगदाद या बसरा। तो ये आपका आंसर होगा 39 का डी, बसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन जो है ये आपका पाया जाता है ब्राजील में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में रामसर सम्मेलन को शुरुआत हुआ, भारत इसमें कब शामिल हुआ, 1975, 1982, 1985, 1990, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु, वेटलैंड के संरक्षण हेतु 1971 में रामसर सम्मेलन शुरुआत हुआ, भारत इसमें हुआ शामिल जाकर आपको 1982 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर देखते हैं। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा आपका, किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है। तो ये ऑप्शन डी होगा, फ्रांस में ऐसा कानून लाया गया है। आइए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। फिर है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो केवल एक, दो या एक और दो
दोनों ना तो एक ही ना दो, तो ये सिर्फ आपका ऑप्शन दो ही सही है, ठीक है, पहला नहीं सही है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा, नहीं राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे, तो पहला इसलिए गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन, तो 3 है, यानी अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में शून्य काल कब शुरू की गई? 1962, 1971, 1964 या 1963 में? तो ये शून्य काल जो शुरू किया गया भारत में 1962 में शुरू किया गया था, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 46 नंबर देखते हैं कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 14 दिन, 1 माह, 3 माह, 6 माह, ठीक है। तो एक यहाँ सामान्य विधेयक है, धन विधेयक को 14 दिन रोकती है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये होगा आपका 6 माह, साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। भारत को उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा? भारत के उपराष्ट्रपति पे, तो ये किसके द्वारा उपराष्ट्रपति पे अभियोग लगाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है तो ये राज्यसभा के द्वारा। ऐसे इसके प्रावधान कुछ हटाने का है नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति अभियोग लगाता है, उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा लगाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 48 क्या कह रहा है। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदस्यों को संदेश भेजना, क्षमादान करना। तो यहाँ पे क्या है, 48 का आपका आंसर होगा संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये काम राष्ट्रपति का नहीं है, ठीक है, चलिए बाकी काम है। आइए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो संसद के दोनों सदनों का सत्र अवसान कौन करता है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर बी राष्ट्रपति। आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का? तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 50 का आंसर होगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार, ये नहीं कर सकता है। और क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार रखता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार उसे भी है, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, ठीक है। तो ज़्यादातर अधिकार दे ही दिए गए हैं, कुछ ही अधिकार जो है नहीं दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और शेष 6 संघराज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघराज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र बने, 15 राज्य और 9 संघराज्य क्षेत्र बने। तो 1956 के राज्यों के पुनर्गठन करने से ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र बने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? पहला है अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित जो है ये ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्व में ये वर्णित है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो संविधान की संघीय व्यवस्था जो प्रभावित नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आंसर जो दिया जा रहा है 53 का, वो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होता, कुछ लिया जरूर गया है लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा, 53 के बाद 54 देखते हैं। आइए 54 देखते हैं क्या कह रहा है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? सबसे पहले जो है संविधान को कहाँ लिखा गया था, तो संविधान को कहाँ लिखा गया था, लिखित संविधान की धारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, तो ये आंसर इसका, ऐसे तो ऑप्शन ई है दोस्तों, और फिलहाल मेरे माइंड से निकल गया कि फ्रांस में शायद लिखा गया होगा। ठीक है ना, याद तो आ रहा है, फिलहाल हमें यहाँ फ्रांस बता देते हैं। तो ये फ्रांस में सर्वप्रथम अवधारणा लिखित संविधान की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 55 नंबर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। बी में है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। सी में है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। डी में है शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो ध्यान दीजिए कि ये आपका आंसर होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये सी। ये 3 पॉइंट को देखा जाता है, 55 का सी हो गया। अब आते हैं 56 में क्या कह रहा है। 56 क्या है, ये कह रहा है व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है सकल घरेलू निजी निवेश, बी है निवल विदेशी निवेश, सी है मूल्यह्रास व्यय और डी है निजी उपभोग व्यय। तो क्या शामिल व्यय विधि में नहीं किया जाता है? तो व्यय विधि से गणना करने में जीएनपी में क्या नहीं देखा जाता है? तो ये मूल्यह्रास व्यय की गणना या उसमें शामिल नहीं किया जाता है इसके गणना में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? फटे पुराने करेंसी नोट, सोना चांदी सराफा, सी सरकारी प्रतिभूतियाँ, डी है निगम ऋण पत्र। तो गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये 57 का जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 58 नंबर क्या कह रहा है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में कमी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, बढ़ोतरी। 58 का सी, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी किया जाता है इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 59 का। किस 5 वर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो वो 5 वर्षीय योजना कौन सा था? द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना, पंचमी योजना। तो ये किस 5 वर्षीय योजना के वक्त ये नीति आया था? तो ये बताया जा रहा आपका है ये तृतीय 5 वर्षीय योजना में है जो ये नीति आया था। किस 5 वर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया गया? तो तृतीय योजना के समय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 60 नंबर क्या कह रहा, थोड़ा ये देखते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? ठीक है, यहाँ पे धारा, तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? चलैया समिति,
कैलकर समिति, सोम समिति, रंगराजन समिति, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश जो है 60 नंबर का आपका आंसर होगा, ये कैलकर समिति से संबंधित है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा पूर्व से संचालित योजना में सबसे ज़्यादा बजट 2021-22 आवंटन किस योजना में किया गया? तो पहला ऑप्शन है आपका मनरेगा, दूसरा है डिजिटल इंडिया, तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान, और डी है अंत्योदय योजना, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर आपका होगा मनरेगा में सबसे ज़्यादा जो है पहले से संचालित योजना में खर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 2030 को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने गोल और टारगेट पर काम कर रहा है? 7 गोल और 69 टारगेट, बी 17 गोल और 69 टारगेट, सी 27 गोल और 169 टारगेट, डी 17 गोल और 169 टारगेट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सतत विकास लक्ष्य 2030 को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने गोल पर काम कर रहा है? तो ये ऑप्शन डी है 17 गोल और 169 टारगेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं 163 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन, 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण विकास पर व्यय का प्रतिशत कितना है? 7.07, 9.5, 12.8 और 13.4। तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन सी 12.8। 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण विकास पर व्यय का प्रतिशत कितना है? तो ये आंसर होगा आपका 12.8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के संबंध में सिफारिश करता है? नवाड, बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी वित्त आयोग, डी कृषि लागत और मूल्य आयोग, और पांचवा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये 64 का आंसर आपका होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? 129वां, 139वां, 144वां, 149वां। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान है इस बार 149वां पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्टोन सूप रणनीति क्या है? चीन में गरीबी हटाने की नीति, बी भारत में राजनीतिक में आपराधिक पृष्ठभूमि को रोक के लिए नीति, सी पाकिस्तान के आतंकवादी निरोध की नीति, डी श्रीलंका के फसाई भिन्नता को पाटने की नीति। तो 66 नंबर जो आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में राजनीतिक में आपराधिक पृष्ठभूमि को रोकने के लिए, और न 66 का आपका ना ये गलती है, स्टोन सूप ये चीन में गरीबी हटाने की नीति के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में या फिर एसी को डीसी में। तो ये होगा एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68वां नंबर क्या कह रहा है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल, गलित सोडियम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका आंसर होगा 68 का डी गलित सोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, फैराडे के नियम, लेंज के नियम, ओम के नियम, फ्लेमिंग का नियम। तो विद्युत मोटर जो है आपका काम करना चाहिए ऑप्शन ए फ्राइडे के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अवघट के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, बी है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सी है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, डी है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, सूखा वालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला वालू धुतिहीन होती है? ये एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका परिकीर्णन है,
इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सूखा वालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला वालू धुतिहीन होता है? तो इसका कारण क्या है? प्रवर्तन होना चाहिए। ये दे रहा है, यह एक प्रकाश की भ्रम है। सूखा वालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला वालू धुतिहीन होती है? महीन, ये इसका आंसर मेरे विचार से, मैंने इसे सेट किया उसमें ये लिखा गया, लेकिन साइंस के नियम के अनुसार यह एक प्रकाशीय भ्रम है जो नहीं होना चाहिए। आपका यही ठीक होना चाहिए। इसका कारण प्रवर्तन है। गीला बालू जो है ना प्रवर्तन नहीं होने देता है, सूखा बालू में प्रवर्तन हो जाता है वो, इस कारण से इसको आप बी मानिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। प्रवर्तन का, अनुनाद का, व्यतिकरण का, अपवर्तन का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका 72 का ऑप्शन बी होगा, अनुनाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? अब धूप से बचना है, बारिश से नहीं, तो ऊपर काला नीचे सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों काला, ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद। अब ध्यान देना है कि धूप से बचना है तो रिफ्लेक्ट करता है आपका, ये आपका आंसर 73 का फिलहाल जो है उसके अनुसार क्या है, तो ये बी है, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। तो ऊपर सफ़ेद क्यों, नीचे काला क्यों? ऊपर सफ़ेद इसलिए कि जो भी सूर्य का प्रकाश आएगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो ठंडक प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है वो बढ़ता है। ठीक है, जी का मान ध्रुव की ओर जाने पे बढ़ जाता है। आइए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अनुभार 60 है, तो ये आपका इस रूप में है CH2O। तो इसका यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? तो आपको देखना है कि जिसको भी काटे CH2 के रेशियो में आ जाता वही आंसर होगा। तो देखने से यही एक लग रहा है, इसीलिए ये यहाँ अनुभार से रिलेटेड कोई नियम नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो है, उसी रेशियो को हम जब गुणज में ले जाते हैं तो, या फिर जो दिया हुआ ऑप्शन उसमें आप उसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदलिए तो जो आपको ये दे देता है वही आंसर हो जाएगा। चलिए भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, ईंधन है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारी जल एक प्रकार का जो है वो क्या है? मंदक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी होगा, भारी जल एक मंदक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। यद्यपि भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? ये लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, ये लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है, इसमें निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरणों से अधिक होती है, इसके उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे से अधिक खर्चीली होती है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो यद्यपि भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? क्योंकि इसके निष्कर्षण से रिलेटेड कुछ कहानी होना चाहिए। 77 गड़े, इसके उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे से अधिक खर्चीली होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो 78 का आपका आंसर होना चाहिए, तो ध्यान देना है कि जो भी निष्क्रिय गैस है उसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजाता होता है, क्योंकि बाहरी कक्षक पूरा होता है, इस सब में नहीं है, सबका कुछ ना कुछ वैलेंसी है साहब यहाँ पे, और इस कारण से यहाँ पे आंसर ऑप्शन ई होगा, है ही नहीं, यहाँ पे हीलियम रहता। ठीक है, आपका यही है नारायण, अर्जुन करे जीरोक्स रामायण करके पूरे निष्क्रिय गैस को याद रखते हैं, तो वो सभी शून्य इलेक्ट्रॉन सजाता में जाएगा, यहाँ पे सभी का कुछ ना कुछ बैलेंस है, इसीलिए आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। तो वो दोनों को जब ब्रेक किया जाता है तो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वो जो होता है मटेरियल ये पदार्थ वो सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट होता है, साथ में ये आपका एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तो होता ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण, अम्ल लवण, भाष्मित लवण, मिश्रित लवण। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण, तो सामान्य लवण ही इनका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी ससंयोजिता तथा उपसंयोजिता वाले अवबंध हैं। पानी, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें यह आयनी संयोजिता तथा उपसंयोजिता वाले अवबंध हैं, मतलब दोनों हैं, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होना चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 82 नंबर देखते हैं। आइए, लिथियम, रुक जाइए पहले ये, अब ठीक है। अब देखते हैं लिथियम, ये नीचे परमाणु संख्या, ये परमाणु भर, परमाणु संख्या, परमाणु भर। अब बताइए कि ये आइसोटोप है, आइसोवायर है, आइसोटोन है या आइसोमर है? तो ये जो है ना आइसोटोन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन। वह वर्णक जो वनस्पति को प्रबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? क्लोरोफिल, कैरिटोनाइड, फाइकोसाइनिन, प्लास्टिड। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। वह वर्णक जो वनस्पति को प्रबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो ये आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, फाइकोसाइनिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स, माइक्रोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है ये कहलाता है, हमको लगता है क्रिस्टी होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन की क्या है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? मेंडल, कॉरेंस, मुलर या बेटसन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो ये होना चाहिए आपका आंसर 85 का डी, बेटसन के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुत्वक में वृद्धि के लिए, बलकुट में वृद्धि के लिए। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटाई में वृद्धि के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? मूंगफली का टीका रोग, गने का लालसरण रोग, बाजरा के ग्रीन ईयर रोग, तंबाकू का मोजिक रोग। तो निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो ये आपका आंसर होगा तंबाकू का मोजिक रोग। आइए देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, बी है प्रकाश के हरे एवं पीले क्षेत्र में, सी है प्रकाश के नीले एवं नारंगी क्षेत्र में, डी है प्रकाश के बैंगनी एवं नारंगी क्षेत्र में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। डी ऑप्शन ए होगा, प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 92 भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है सल्क कंद, घन कंद, प्रकंद कंद। तो ये आपका आंसर होगा, आलू एक प्रकंद है, ऑप्शन सी। रुक जाइए, कहीं ये हमने गलती बता दिया, ये आपका कंद होगा। ठीक है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद, ना कि प्रकंद। ठीक है, हल्दी और अदरक ये प्रकंद होता है। ठीक है, आलू कंद में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 90, मूल ग्रंथिकाओं या फिर रूट नूडल्स पाई जाती है
पहला है कुछ लेगुमिनियस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में, दूसरा ऑप्शन है केवल कुछ लेगुमिनियस पादपों में, सभी लेगुमिनियस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, और डी है सभी पौधों में। तो ध्यान देना है कुछ लेगुमिनियस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाया जाता है, अन्य पौधों में कभी नहीं, नहीं कर सकते, इसलिए आंसर ये आपका है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, आकार की, बी वर्ग की, सी शरीर की, डी भौत की, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है दोस्तों ये कहलाता है आपका आंसर ऑप्शन सी शारीरिकी, ठीक है ये कहलाता है शारीरिकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता है, पहला ऑप्शन इनपुट एवं आउटपुट, बी इनपुट, सी आउटपुट और डी सीपीयू, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क जो है ऑप्शन ए के साथ इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा होता है। आइए देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है, रोम मेमोरी, रैम मेमोरी और हार्ड ड्राइव, मदर बोर्ड, तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए रोम मेमोरी। 93 का रैम जो है अस्थाई, तो ये आंसर बी होगा ना कि ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एलयू, डीआई, एमएम, बीयूएस और रजिस्टर, तो ये आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले में किलेबंदी की गई थी, पटना, सारण, गया, मुजफ्फरपुर, तो आंसर होगा डी मुजफ्फरपुर। आइए देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी, मिथिला, दरभंगा, हथुआ, गया, तो आंसर होगा ऑप्शन सी हथुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, इनायत अली, हमदुल्लाह को, मोहम्मद हुसैन को, फरहत अली को, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो आंसर होगा ऑप्शन बी हमदुल्लाह। आइए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था, सरफराज हुसैन खां, बी मजरूल हक, शौकत अली और डी है नवाब मीर कासिम, तो यही आंसर होना चाहिए 98 का आपका डी नवाब मीर कासिम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, अंग, वजी, वत्स या मगध, तो वत्स जो था नहीं था, अंग, वजी और मगध होना चाहिए, तो ये आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तृतीय बौद्ध संगीतिक आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे, पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म का दुभागो यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन, बी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, सुतर्क विनय पिटक में हुआ, सी बौद्ध धर्म का दुभागो स्थावीर और अभिधम्म पटिक का संकलन हुआ, डी कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पटिक का संकलन हुआ, तो ये आंसर होगा 100 का डी कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पटिक का संकलन हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिम्बिसार ने और डी है महापद्मानंद ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो आंसर होगा ऑप्शन डी महापद्मानंद ने। आइए देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, पीटर मुंडी, बी बिशप हीबर, सी रोलफ फिच, डी जॉन मार्शल, और ये है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था ऑप्शन सी रोलफ फिच। आइए देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, पटना, वैशाली, तिरहुत, सिमरावगढ़, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो ये आंसर होगा सिमरावगढ़। नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ, आज मैंने कुंवरश्री द्वारा हाल ही में बड़ी धन राशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर कौन सा था तोड़वा दिया है, ये कथन किसका है, लुगाड़, ई ए सेमी सेमी सेमुएल्स,
सी लीग्रेंड और डी है विंसेंट आयर। अब हो जाएगा आंसर डी विंसेंट आयर। आइए देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सियारा और डी पटना। तो ये आपका आंसर होगा 105 नंबर का, भागलपुर में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर, रोहतास, अररिया या गया? तो 106 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अररिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। बिहार में भीम बांध अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जहानाबाद, कटिहार, मुंगेर, बक्सर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 107 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी भीम बांध अभयारण्य जो आपका है ना वो मुंगेर में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट साहब क्या कह रहा है। कौन सी नदी सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है? फल्गु नदी, अधवारा नदी, बूढ़ी गंडक, नागिन नदी। तो 108 का जो है ना सोमेश्वर पहाड़ी से आपका बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 28, 32, 34 या 38? तो ये साहब आपका 109 का आंसर जो है ना डी हो जाएगा 38। आइए नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मगही, मैथिली, ब्रज, भोजपुरी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मैथिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 111 से। बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? गया, नवादा, जमुई, बांका। तो बिहार में अभ्रक जो है ना ये सभी जिलों में पाया जाता है, गया, नवादा, जमुई, बांका सब में पाया जाता है। ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार किस किन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? मखाना, महुआ, आम, शहद। तो बिहार किस किन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो मखाना, महुआ, आम, शहद सभी के उत्पादन में बिहार जो है ना भारत में प्रथम स्थान पे है, ये चारों में है। तो ये आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-31, NH-32, NH-33, NH-34, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये आंसर होगा आपका NH-31। बिहार की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत क्या है? 9.64%, 10.50%, 11.29%, 13.20%। तो ये 114 का आंसर होगा ऑप्शन सी 11.29%। आइए देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या के 10 की वृद्धि दर 2011 कितना प्रतिशत था? मिर्चा भुंजा रहा है दोस्तों, अब उतना देर से रोकते रोकते अब नहीं रुका जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, तो यह आपका ऑप्शन डी 25.10% होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर का। बिहार में ऑपरेशन मानसून किससे संबंधित है? संरक्षित वनों में अवैध हथियार रोकने हेतु, नक्सलियों के उन्मूलन हेतु, सी वर्षा जल संचयन हेतु और डी फसल पर मनाने हेतु। तो ये आपका आंसर 116 का जो है ना ये हो जाएगा ए, संरक्षित वनों में अवैध हथियार रोकने हेतु। आइए नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर। बिहार में सर्वाधिक सिंचित वाला जिला कौन सा है? जमुई, शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी शेखपुरा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पाई जाने वाली जनजाति निम्न में से कौन सा है? गोंड, संथाल, मुंडा, खौर। तो ये सभी होगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खौर सभी पाया जाता है। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़, तो ये आपका 34 में, 75 में, 83 में या 2008 में। तो बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ जो है ना वर्ष 1975 में, 2008 में भी आया था लेकिन वो सबसे ज़्यादा भीषण 75 वाला ही माना भी जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं
120 देख के थोड़ा वीडियो को रोकना होगा। हाँ, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को, और सी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, डी है कर्पूरी ठाकुर को। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अपने सभी स्कूलों में बिजनेस क्लस्टर कार्यक्रम शुरू किया है? जम्मू और कश्मीर, केरल, दिल्ली, कर्नाटक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। आइए नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की क्या है। निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ये होगा, पीयूष गोयल। आइए नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 जनवरी 2022 से किस संगठन ने T+1 निपटान चक्र का प्रस्ताव दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सी है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, और डी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, SIDBI। तो ये आपका 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SEBI। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। 8 सितंबर 2021 को भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, इंदौर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 8 सितंबर 2021 को भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का जो उद्घाटन किया गया है, ये होना चाहिए आपका आंसर ऑप्शन सी, चंडीगढ़। आइए देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? 10वीं, 12वीं, 13वीं या 15वीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये आंसर होगा 125 का सी, 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आइए देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, अफ्रीका। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में सामरिक सुरक्षा स्वच्छ ऊर्जा भागीदार CSSEP लॉन्च की गई? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या चीन? तो स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी 127 का आंसर होगा अमेरिका। आइए नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आर्थिक संकट के बीच नई सरकार की घोषणा कर दी है? युगांडा, लेबनान, मलेशिया, जापान। इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो 128 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेबनान। आइए नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन की क्या है। 2024 में पहले FIH हॉकी 5 सेकेंड विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, पाकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 2024 में पहले IH हॉकीज 5S विश्व कप की मेजबानी जो है ये करने वाला देश है ओमान। भारत को दिया गया था लेकिन फिर प्रायिकता दिया गया ओमान को, इसीलिए ओमान ही करने वाला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की क्या है। पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तो ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने जीता पहला टेस्ट का वर्ल्ड सीरीज। आइए नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 34वें, 84वें, 48वें, 43वें? टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने 7 पदक तो लिया और 48वें स्थान पर रहा, अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 को किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास, लैंडो नॉरिस और डेनियल रिचार्डो। तो इटालियन ग्रांड प्रिक्स को 2021 को जीता है डेनियल रिचार्डो ने।
आइए नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को किसने जीता? यासिन मर्चेंट, पंकज अडवाणी, आलोक कुमार, आदित्य मेहता। यहाँ देखना है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, तो ये आंसर होगा बी, पंकज आडवाणी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। खेलो इंडिया विंटर गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। और पांचवा ऑप्शन तो जानते हैं साहब, ये जम्मू कश्मीर में खेला गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक सौ 135 नंबर क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा, जो बाइडेन, दिमित्री मुराटेव, नरेंद्र मोदी। तो 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, ये दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है इस बार 2021 में, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। आइए नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, एंथनी हॉपकिंस, अक्षय कुमार। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया ऑप्शन बी, अनुपम खेर को। आइए देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लेइंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? एस वाई कुरैशी, मोहम्मद हमीद अंसारी, अनिंदा दत्ता, अवतार शिफाशीन। तो ये आंसर 137 का हो जाएगा ऑप्शन ए, एस वाई कुरैशी ने लिखा द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लेइंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। आइए देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को फास्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 22-23, 24-25, 25-26। 138 नंबर का आंसर है 24-25 में, 138 का, हाँ 24-25 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 1, 3, 9 या 15। तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140 क्या कह रहा है, RT-PCR का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम पॉवर्टी चेन रेशियोस, और बी है रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, सी है रीड टेम्परेचर पब्लिक चिमनी रेटिंग्स, डी है रीड थिंग्स पब्लिक सर्कुलेशन रेशियो। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो RT-PCR का पूर्ण रूप है रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। आइए देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 से कितना आवंटन हुआ है? अधिक आवंटन हुआ, ठीक है, अधिक टाइप करने हो चुका है। तो 117%, 127%, सी 137%, डी है 147%। तो 141 का होगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? अमेरिका, चीन, जापान, सिंगापुर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो यह प्राप्त हुआ है साहब सिंगापुर से, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 100 निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय जय चौहान पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी रमेश पोखरियाल, और डी है निर्मला सीतारमन। तो निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय जय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? सी होगा रमेश पोखरियाल निशक। आइए देखते हैं ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। तो होगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण। आइए नेक्स्ट देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? अर्जुन शर्मा, पुनीत जायसवाल, विराट चंद्रा, प्रणय कुमार। 146 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट चंद्रा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला। आइए देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
लखनऊ, राउरकेला, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। तो ये हॉकी वाला हो जाएगा बी, राउरकेला। आइए देखते हैं नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? अमेरिका, चीन, जापान, रूस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो हाल ही में किस देश में लूना 25 को, तो ये होगा रूस। आइए नेक्स्ट देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? के सिवन जी, सतीश रेड्डी, डॉक्टर सी मांडे जी, नागेश्वर राव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष जो हैं ये होगा ऑप्शन बी, जी सतीश रेड्डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर जो है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हैं? आदर्श कुमार गोयल, के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, सुदीप जैन। अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे के वेणुगोपाल। तो आज का क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, ठीक है। आपको पीडीएफ में ये आंसर की मिल जाएगा, यहाँ पर हमने फ़ोटो ऐड किया था बट ये हट गया है। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे इस फ्री सीट का लाभ उठा सके, और हमारा ये जो सीट है साहब आपका सालों भर चलता रहेगा।